हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक यूज होगी, तो थोड़ा फोकस करना लाइंस के ऊपर। देखो वाई है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो इसको, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का वाई डैश। अब आपको पता है रूट एक्स जो है, अगर उसका डिफरेंशिएट करने को तो 1/2 √x होता है, और एक्स का करते हैं तो 1 होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को आप एज एक्स मानो फिलहाल के लिए, 1/2 √1 + x² हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाली जो वैल्यू उसका करो 1 का, तो 0 हो जाएगा। x² का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई डैश क्या बचा आपके पास, x/√1 + x। अब मुझे रूट चाहिए नीचे सर, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इस LHS की तरह RHS की तरह प्रूफ करना है। तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √1 + x² और √1 + x², इसको देखते हुए सॉल्यूशन करते हैं हमेशा ना। तो ये x√1 + x² और डिवाइड में रूट रूट मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल वैल्यू बन जाएगी। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, देखो वाई के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह वाई पुट कर देता हूँ और 1 + x² आ गया। देख लो आप, निकला नहीं निकला, और ये कैसे निकला है, बस आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में नजर रखनी है कि आपको लेके क्या आना है। ठीक है, ये मैं बोला सर आपको कैसे पता लगा, बस आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे नीचे रूट नहीं है, तो रूट हटाने का एक ही तरीका है, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दो लाइक डेट। LHS = RHS आ गया आपके पास। ठीक है, देयर फोर द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4।